हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं, जब भी आपके पास में आइडियल फ्लूइड जब क्या कर रहा है, किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, टोटल एनर्जी जो भी होगी उसके साथ में वो हमेशा क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। यानी उसको हम क्या कहते हैं, क्या है वो आपके पास में, यानी कि बर्नौलीज थ्योरम है। कल हमने उसका प्रूफ देखा था बर्नौलीज थ्योरम के अंदर, यानी टोटल एनर्जी जब भी फ्लो करती है वो हमेशा क्या रहती है, कमजोर। जिसमें आपके पास में टोटल एनर्जी किसके इक्वल आती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर हेड के इक्वल आती है। हमें क्या करना है, इन तीनों के सम को जो है क्या करना था, कंजर्व करके दिखाना था। उसको हमने कंजर्व प्रूव कर दिया था। आज हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर आता है कि आपके पास में कि क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, बर्नौलीज थ्योरम का हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में ये जो थ्योरम थी ये क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। ठीक है, ये क्यों फेल हुई थी, सबसे पहले इसका रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बर्नौलीज थ्योरम थी ये ओनली अप्लीकेबल थी किसके लिए, आपके पास में जब भी फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। दूसरा हम क्या बताते हैं कि आपके पास में ये थ्योरम जो है ये अप्लीकेबल होती है किस केस में अप्लीकेबल होती है, कि अगर आपके पास में मीडियम कैसा है, एक नॉन विस्कोस मीडियम होगा। ठीक है, तो यानी इस कारण से भी क्या होगी, ये फेल हो गई थी। ठीक है, कि भाई आपके पास में हमेशा क्या जरूरी तो नहीं है हमेशा विस्कोस फोर्स यानी कि ना प्रेजेंट हो, क्योंकि हम क्या बताते हैं कुछ ना कुछ अपोजिंग फोर्स प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से क्या हो गई थी, ये फेल हो गई थी। तीसरा हम क्या बताते हैं कि फ्लूड जो है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है हर मीडियम में भाई इनकम्प्रेसिबल हो, तो ये भी क्या हो गया, यानी कि आपके पास में ये थ्योरी जो है यानी थ्योरम क्या थी, इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। हम क्या पढ़ते हैं, किसी की कुछ बेनिफिट्स भी है तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में जो बर्नौलीज थ्योरम थी, इस बर्नौलीज थ्योरम के भी क्या थे बेटा, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब हम इसका यूटिलाइज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशंस जो है, जैसे हम देखते हैं हमारी जो है स्प्रेयर वाला, आपने देखा होगा स्प्रे जो है, मान लो आप डेली परफ्यूम स्प्रे करते हो तो आपने क्या करते हैं, दबाते हैं, पुश करते हो, किसी भी जो ऊपर रबर बैंड लगा हो तो उसको आप क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एकदम से जो है फवारे की फॉर्म में आपके पास में क्या जो है स्प्रेयर जो है बाहर निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या बताएंगे, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। देखो उसका कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगी कि ऐसा प्रेशर डिफरेंस कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, दूसरा मैग्नस इफेक्ट, जब आपके पास में जो प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर बॉल जो होते हैं, बाउलर्स होते हैं, जब बॉल को बाउंस करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से बॉल को घुमा के फेंकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बॉल जो है ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करे। ठीक है, और जब वो ऊपर की तरफ इस तरह से स्पिनिंग करती हुई जाती है और एकदम से फिर वो वर्टिकली नीचे गिर जाती है, तो यानी कि वहां पे भी हम क्या बताते हैं, मैग्नस इफेक्ट बनता है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है, वहां पे आपके पास में बर्नौलीज थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, तीसरा हम बताते हैं कि आपके पास में जो ये आती है हाईली स्ट्रॉम आता है, तूफान आंधी आता है, तो उस केस में बताते हैं कि जो लाइट वेट की जो छतें होती है ना, रूफ से जो है ये चट्टाने वगैरह लगाते हैं, कौन सी आपके पास एल्युमिनियम की जो सीट्स होती हैं छतों के ऊपर लगाते हैं, तो वो उड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से ऐसा होता है, तो इसका भी सबका रीजन हम क्या बताएंगे, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहां से आएगा, बर्नौलीज थ्योरम के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास में कॉम्पिटिशन के अंदर भी पूछा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स के अंदर आप क्या बताएंगे, देखो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स के अंदर बेटा हम बात करेंगे कि मान लो आपके पास में क्या है, एक कंटेनर है। क्या लिया आपने, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर आपने क्या कर रखा है, फ्लूड फिल किया हुआ है। क्या लिया हमने, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में क्या कर रखा है, फ्लूड को फिल कर रखा है। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने फ्लूड फिल किया। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, इसके लोअर एंड के ऊपर एक होल कर दिया। यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक होल कर दिया। इस होल के थ्रू लिक्विड क्या कर रहा है, बाहर निकल रही है। ठीक है बेटा, कि हमने क्या किया, एक जो है कंटेनर लिया। इफ्लेक्स का मतलब एक तरह से होता है कि जब फ्लूड बाहर निकल रहा है। इफ्लेक्स मींस क्या होता है, इफ्लेक्स मींस फ्लो आउट ऑफ फ्लूड बाहर की तरफ निकल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्लेक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मेरे पास में क्या था, फ्लूड था। इस फ्लूड के बॉटम सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया है, नीचे से एट वाई वन हाइट की डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक क्या किया, होल कर दिया। इस होल के थ्रू क्या करेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा। जहां से इसकी, यहां से यहां तक की जो हाइट है सरफेस तक की, वो हाइट हमने क्या ले रखी, वाई टू। ठीक है बेटा, और जो दूसरा इसका टॉप सरफेस है, यहां से यहां तक की जो इनके डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एच के इक्वल ले लो।
सबसे पहले जब लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर जो ओपन एंड है ये ओपन एंड होगा तो प्रेशर किसके इक्वल होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। ए पॉइंट ले रखा है ये मैंने, पॉइंट बी ले लिया क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकलेगा इसका लेवल नीचे की तरफ आता जाएगा, पानी का लेवल डिक्रीज होगा। लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम। तो कम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपने एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, एवी क्या होता है मिसे कॉन्स्टेंट, यानी कि ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, भाई जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा स्पीड उतनी कम होगी, और जहां पे कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा स्पीड ज्यादा होगी। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इस होल का स्मॉल है तो स्पीड, यानी कि जो लिक्विड यहाँ से फ्लो आउट करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी। यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो इसकी क्या होगी बेटा, इस केस में, यानी कि इस केस में आप क्या बताएंगे कि लिक्विड एकदम से क्या करेगा, इस केस में आपके पास में एरिया ज्यादा होगा तो लिक्विड की जो स्पीड होगी वो नेग्लिजिबल होगी। तो इस केस में हम इसकी स्पीड क्या लेंगे, जीरो। यहाँ पे स्पीड हम क्या ले रहे हैं, वी वन, जो हाईली स्पीड है, ठीक है, मूव आउट कर रहा है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी टू को हमने क्या लिया, पी के इक्वल लिया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने क्या लिया कि आप क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का अप्लाई करेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या रीजन हमारा ये सब निकालने का, हमें ये निकालना है कि जब आपके पास में लिक्विड फ्लूड जो फ्लो कर रहा है तो जब ये फ्लूड बाहर निकलेगा इस होल के थ्रू तो इसकी स्पीड क्या होगी, यानी किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, वो स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है बेटा। क्या निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए वन ले रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या ले रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ए टू ले रखा है। तो बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू लिख दिया यहाँ से। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले इनका एरिया का रेशो निकाल लें। तो ए वन बाय ए टू जो है वो किसके इक्वल आ गया, वी टू बाय वी वन, लगा दी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्या करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ जो है एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे कि भाई आपके पास यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इसका एरिया ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये स्पीड एट बी इज वेरी स्मॉल, यानी बी टू को हम जीरो ले सकते हैं। तो बाय यूजिंग द बर्नौली थ्योरम, एट वन एंड टू क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट के पर जब हम अप्लाई करेंगे, लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है बेटा, तो इस फर्स्ट पॉइंट से जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे आपके पास बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, आपके पास में टोटल सम ऑफ एनर्जी, यानी आपके पास में क्या कौन कौन सी एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, साथ में पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने सही पॉइंट के पर पी ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, ठीक है। रो जी एच की बजाय आप क्या लेंगे, रो वाई टू लेंगे, क्योंकि टोटल हाइट आपके पास में कितनी है, यहाँ पे रो वाई टू है, और यहाँ पे यहां से ले रहे हैं बेटा ये स्पीड वी वन है और यहां से इसकी वाई वन, और रो हमने फ्लूड की डेंसिटी, जो फ्लूड फिल कर रखा है उसकी डेंसिटी हमने रो ले रखी है, ठीक है। अब सेकेंड बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, तो ये पी पी टू प्लस में हाफ रो वी टू का जीरो, तो ये वी टू स्केयर ये जीरो हो जाएगी प्लस में रो जी वाई, ठीक है। तो हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। पी टू को हमने क्या मान लिया, पी के इक्वल कंसीडर कर लिया। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी, यहां से मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगी, तो पी ए प्लस में हाफ रो वी वन स्केयर प्लस में रो जी y1 वन इज इक्वल टू पी टू प्लस में रो जी, पी टू को p ले लिया, रो जी वाई टू, ठीक है। p माइनस पी ए हाफ रो वी वन स्केयर प्लस में हमें निकालना क्या, स्पीड निकालनी है ना हमें, तो यहां से कि जब ये लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा तो उस केस में आपके पास क्या होगी वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, यहां से हाफ रो वी वन स्केयर निकालना है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस साइड लेके जाऊं तो आपके पास में क्या बनेगा, देखो हाफ रो वी वन स्केयर इज इक्वल टू पी माइनस पी ए प्लस में रो जी
y2 माइनस y1, इस तरह से ले सकते हैं इसको साइड लेके। तो यहां से हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस pa अपॉन में 2 इनटू में रो प्लस रो g इनटू 2 अपॉन रो y2 माइनस y1। और y2 माइनस y1, देखो आपके पास टोटल y2 थी, y2 में से y1 घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये h के इक्वल होगा। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को यूज कर दूं तो ये मेरे पास देखो क्या बनेगी, v1 स्क्वायर टू p माइनस pa अपॉन रो प्लस 2 रो g, रो से रो कैंसिल और ये क्या बन गया 2 जी एच। तो यहां से v1 की वैल्यू आपके पास में ये आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी वेलोसिटी कि जब भी आपके पास में फ्लूड यहां से निकलेगा, एस्केप होगा इस कंटेनर के थ्रू, तो यहां से लिक्विड की फ्लो होने की जो स्पीड होगी वो किसके इक्वल आएगी, इनके प्रेशर डिफरेंस के इक्वल प्लस में 2 जी एच के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में इफ्लक्स स्पीड है। अब हमें क्या करना है इस इफ्लक्स स्पीड को निकालने के लिए, तो देखो बेटा एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ। यहां से हमारे पास में क्या था, एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हमने एक फ्लूड लिया हुआ था, इस फ्लूड की जो है डेंसिटी क्या ले रखी है, रो ले रखी है। हमने क्या कर दिया कि नीचे से यानी बॉटम सरफेस से y1 हाइट के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर के अंदर एक होल कर दिया, एक छेद कर दिया। अब जैसे हम होल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड जो है इस होल के थ्रू क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि जब ये लिक्विड बाहर की तरफ निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द, या इफ्लक्स स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, कि जब लिक्विड यहां से फ्लो आउट कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, आपको वो स्पीड निकालनी है। तो स्पीड को निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर मैंने लगाया कि जब लिक्विड बाहर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर यानी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो प्रेशर जब ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर किसके इक्वल लेंगे, एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। दूसरा, जब लिक्विड यहां से बाहर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी वी वन ले ली, एरिया इसका हमने क्या लिया ए वन लिया। ठीक है बेटा, दूसरा यहां से देखिए, जब ये लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है तो यानी लिक्विड का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड इसका लेवल जो है धीरे धीरे कम, स्लोली धीरे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहाँ पे फ्लूड की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें यही बताती है कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहां पे स्पीड कम होगी, और जितना जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पे लिक्विड की स्पीड क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी, लिक्विड की वेरी लो होगी, यहाँ इस केस में क्या होगी, वेरी हाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड बहुत स्लोली मूव कर रहा है क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो इसकी स्पीड को हमने क्या ले लिया, नेग्लिजिबल। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर हमने पी टू को पी के इक्वल ले लिया। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई किया, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग भाई एरिया ज्यादा है ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे स्पीड क्या है इसकी, बहुत स्मॉल है, वी टू को हमने जीरो ले लिया। ए और बी दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने क्या लिया, बर्नौली थ्योरम अप्लाई की। बर्नौली थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि टोटल सम ऑफ एनर्जी जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो सबसे पहले हमने ए पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी निकाली, तो आपके पास में क्या आया, पी ए प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रोजी है, ये मैंने प्रेशर हेड के फॉर्म में ले रखा है। दूसरा मेरे पास बी पॉइंट के पर, यहाँ पे बी टू क्या है, जीरो है। ठीक है, और अब मैंने क्या किया है, इन टर्म्स को मैं इस साइड लेके गई क्योंकि मुझे क्या निकालना है, बी वन निकालना है, तो इन टर्म्स को मैं उस साइड लेके गई। तो देखो पी माइनस पी ए, प्रेशर डिफरेंस आ गया दोनों का, पी माइनस पी ए। ठीक है, दूसरा क्या है, रोजी वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू टोटल हाइट थी, देखो आपके पास y2 में से अगर y1 कम कर देते हैं क्या बचता है हमारे पास में, है h बचता है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई h। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 2p माइनस p अपॉन में रो। तो ये हमारे पास नेट स्पीड आई है कि भाई जब भी आपके पास में फ्लूड क्या कर रहा है इस कंटेनर के यानी कि इस ऑर्फिस के थ्रू, ऑर्फिस का मतलब होल, इस होल के थ्रू जब बाहर की तरफ मूव आउट कर रहा है तो इसकी जो स्पीड होगी वो किसके इक्वल होगी, ये आएगी आपके पास। अब हम यहाँ पे इसके दो केस पढ़ेंगे, दो केसेस क्या है। देखो अगर आपके पास में इस कंटेनर के इनसाइड अगर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, अगर कंटेनर के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या है बेटा, वेरी हाई है, तो उस केस में आप क्या बताएंगे कि हम क्या बताएंगे, इस हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे। केस फर्स्ट, इफ पी इज वेरी वेरी लार्जर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर देन 2gh कैन बी नेग्लेक्टेड, क्या कर देंगे इसको, नेग्लेक्ट कर देंगे। स्पीड हमारे पास क्या बनेगी, 2p माइनस पी ए अपॉन में 2, ये स्पीड हो जाएगी फर्स्ट केस।
सेकंड केस में, यानी इसका मतलब क्या है कि आपके पास में कंटेनर के अंदर, यानी कि इस तरह की जो कंडीशन बनती है ना, ये किसके अंदर बनती है, रॉकेट के अंदर बनती है, कि जो आपके पास में रॉकेट के अंदर जो क्या होता है, कंटेनर होता है, उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उस प्रेशर के थ्रू जो लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो उस केस में उसकी स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स होगी वो इस तरह की होगी। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर हम इस तरह की कंडीशंस बताएंगे। दूसरी कंडीशंस देखो क्या होगी, केस टू। केस टू में क्या होगा, अगर आपके पास में केस टू आ जाता है, तो केस टू के अंदर हम क्या बताते हैं कि आपके पास में प्रेशर, अगर टैंक को ओपन कर दिया गया है एटमोस्फेयर में, तो प्रेशर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, पी बराबर पी ए। तो आपके पास में यानी क्या लेंगे, वी वन इज इक्वल टू टू पी ए माइनस पी ए अपॉन में रो प्लस टू जी एच, तो ये क्या बन गया, रूट है टू जी एच, ये हमारे पास में स्पीड आएगी। देखिए बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लू थ्रू ए पाइप, यानी कि जब भी लिक्विड क्या कर रहा है, किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, यानी कि हम क्या बताते हैं, ये क्या बताता है आपके पास में कि किस स्पीड से लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में एक डिवाइस है जो क्या करता है कि लिक्विड के फ्लो करने की यानी कि स्पीड को मेजरमेंट कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हमें बता रहा है। तो यानी उस तरह के डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में वेंचुरीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंचुर ट्यूब भी बोलते हैं, इसको आपके वेंचुरीमीटर भी बोलते हैं, और साथ में हम क्या बताते हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन के ऊपर ही क्या है ये बेस्ड है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक है, इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है, ये काम करता है, होता क्या है, ये एक ऐसी ट्यूब होती है, जब भी लिक्विड क्या कर रहा है, किसी भी ट्यूब के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो हमें बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो आपके पास में वेंचुरीमीटर है। इस वेंचुरीमीटर के अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब लगी होती है, इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के साथ में एक मैनोमीटर लगा दिया जाता है, और इस मैनोमीटर के अंदर जो हम क्या बता रहे हैं, एक लिक्विड फिल कर रखा है जिसकी डेंसिटी रो एम ले रखी है। मान लो इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब के थ्रू क्या कर रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से बीच से जो ये ट्यूब है, ये कैसी है, नैरो है, ये एंड कैसा है, इसका ब्रॉड है, यहाँ से ब्रॉड एंड से लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, किस प्रेशर से, पी वन प्रेशर से, फ्लूड की वेलोसिटी क्या है, वी वन, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए वन। ठीक है, नैरो एंड यानी ट्यूब का जो नैरो एंड है, उस नैरो एंड के थ्रू जो है फ्लूड क्या कर रहा है, मूव आउट कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या देखना है इसका, कि जब ये लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो बेटा आपको यहाँ से इसका क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो इस स्पीड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फर्स्ट एंड ले लिया, ये हमने सेकंड एंड ले लिया, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो क्या बनेगा ये, ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू। तो आपके पास में ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी टू बाई V1। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम एट वन एंड टू, वन और टू, ये कौन सा एंड हो गया, वन और ये कौन सा हो गया टू, तो वन एंड के ऊपर आपके पास में क्या आएगी, सबसे पहले प्रेशर एनर्जी, फिर कौन सी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर कौन सी आएगी यहां से, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, क्यों, क्योंकि हाइट का लेवल ट्यूब जो है सेम लेवल के ऊपर रखी हुई है, हाइट क्या है, दोनों केसेस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि हाइट का जो लेवल है वो दोनों पे सेम है, तो आपके पास में प्रेशर एनर्जी पी वन प्लस में हाफ रो वी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टू प्लस में हाफ रो वी टू स्क्वेयर, ये हमारे पास में यानी कि सेकेंड एंड के ऊपर हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, आपके पास में जो फ्लूड फ्लो कर रहा था, उस फ्लूड की डेंसिटी जो हमने क्या ले रखी, रो ले रखी है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 यानी V2 माइनस V1 स्क्वायर, ये आपके पास में P1 माइनस P2 की वैल्यू आ गई है। निकालना क्या है, यहां से हमें वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको क्या करूं, वी टू स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं क्या करूं यहां से v2 की बजाय v2 स्क्वायर को, अगर हम यहाँ पे v1 स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो v1 स्क्वायर को कॉमन कैसे लेंगे, p1 माइनस p2 बराबर हाफ
हाफ रो वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर अपॉन में वी वन स्केयर, इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में ये तो वन बन गया, तो क्या बना P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्केयर बाय V1 स्केयर माइनस वन। तो ये P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्केयर बाय V1 स्केयर माइनस वन। और बेटा V2 बाय V1 हमने क्या पढ़ा था, A1 बाय A2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्केयर A1 स्केयर बाई A2 स्केयर माइनस वन। अब वेलोसिटी निकाल लो यहां से, तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V1 स्केयर A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर बाई A1 स्केयर, A2 स्केयर रही, ठीक है। तो आपके पास में P1 माइनस P2 A2 स्केयर इंटू 2 अपॉन रो A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर इज इक्वल टू V1 स्केयर, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास में बन रहे हैं, ठीक है। अब P1 माइनस P2 यानी हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों मैनोमीटर ट्यूब्स के अंदर देखो लिक्विड की डेंसिटी रो हम ले रखी है, तो यहां से आपके पास में क्या दे रहा है दोनों के बीच, यानी प्रेशर इन दोनों एंड्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस देता है, मैनोमीटर हम क्या बताते हैं, मैनोमीटर वही है प्रेशर को मेजरमेंट करता है कि इस एंड के ऊपर और इस एंड के ऊपर इनके बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या है, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो कौन मेजरमेंट कर रहा है बेटा, ये मैनोमीटर ट्यूब मेजरमेंट कर रही है, तो यहाँ पे इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है मैनोमीटर ट्यूब के अंदर लिक्विड का जो लेवल चेंज हुआ है वो एच हाइट तक चेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं P1 माइनस P2 को H रो mg हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला जो आएगा वो किसके इक्वल बन जाएगा, तो देखिए आपके पास ये जो फॉर्मूला बनेगा 2 P1 माइनस P2 की जगह लिख दो H रो mg अपॉन में रो इनटू में A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर इनटू में A2 स्केयर इज इक्वल टू V1 स्केयर। हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया, हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो ये आपके पास में यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या आ गया 2H रो एम जी अपॉन में रो A2 स्केयर अपॉन A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर, और इसका रूट ले लो आप क्या आ जाएगा, ये V1 आ गया। तो ये क्या है आपके पास में, जब भी इस वेंचुरीमीटर ट्यूब के थ्रू जब भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उस केस में हमारे पास में जो हाइट आएगी यानी कि लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वन एंड से अदर एंड की तरफ, तो इसकी स्पीड ये होगी बेटा। तो इस तरह का जो डिवाइस होता है वो हमारे पास में क्या है, वेंचुरीमीटर है, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर के अंदर क्या होता है, इसी तरह से क्या करता है, इसके बर्नौली थ्योरम के ऊपर काम करता है। देखिए बेटा अभी सेकंड एप्लीकेशन इसका आता है स्प्रे, जैसे आपने देखा होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी परफ्यूम को जब आप क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे के अंदर ही कैसे काम करता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आती है बाहर, स्प्रे खुद की फॉर्म में, तो कैसे होता है, तो उसके अंदर भी आपका बर्नौली थ्योरम बताएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, एक रबर बैलून लगा हुआ है, ये नीचे बोतल लगी हुई है, जैसे हम इस रबर बैलून को क्या करते हैं प्रेस करते हैं, प्रेस करने पर क्या होता है यहाँ पे की जो एयर है उस एयर के ऊपर क्या होता है प्रेशर, यानी आपने अप्लाई किया प्रेशर, अप्लाई करने पे जो एयर थी यहाँ पे वो एयर का क्या हो जाता है प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये एयर क्या करेगी लोअर प्रेशर की तरफ हाई यानी आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो जैसे आप इस रबर बैलून को क्या करते हैं बेटा प्रेस करते हैं, प्रेस करने से क्या हो जाता है जो एयर है वो क्या करती है इस ओरिजोनटल ट्यूब में क्या करती है आगे की तरफ मूव करती है विद ए लो प्रेशर से, ठीक है। जो भी एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा उस एटमोस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा यहाँ पे लो यानी कि प्रेशर से क्या करेगी एयर बाहर की तरफ रस आउट करेगी। जैसे ही यहाँ प्रेशर क्या हुआ है कम हुआ है तो इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूड था यहाँ पे इस कंटेनर यानी इस फ्लास्क बोतल के अंदर क्या होगा यहाँ पे कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से क्या होगा कि हाई प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है वो क्या करेगा ऊपर की तरफ राइज हो जाता है, और वो क्या हो जाता है लिक्विड यहाँ से इस होरिजोनटल ट्यूब से बाहर की तरफ क्या कर जाता है वो स्प्रे कर जाता है। तो यानी हम क्या बताते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया रबर
बैलून को हमने जैसे ही प्रेस किया है, प्रेस करने पर एयर की स्पीड क्या हो जाती है, यानी कि वो एकदम से बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ेगी, यानी कि प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो यानी कि जो नीचे आपके पास में जो फ्लास्क रखा हुआ था या जो आपके पास में कंटेनर रखा हुआ था, इस कंटेनर के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ गई है, ठीक है बेटा। और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा कि लिक्विड का जो लेवल है इस वर्टिकल ट्यूब के अंदर राइज हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, लिक्विड हाई स्पीड से क्या, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हाई होगी, बढ़ गई है, हाई स्पीड होने की वजह से लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा और ये स्प्रे की फॉर्म में बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, क्या है, स्पीड हाई है एंड प्रेशर क्या है, लो। यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है और स्पीड क्या है, लो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। दूसरा आता है मैग्नस इफेक्ट, कि जो भी प्लेयर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को स्पिन करके और फिर फेंकते हैं, तो क्या करती है, बॉल जो है आगे की तरफ मैग्नस, यानी कि स्पिन करती हुई इस तरह से आगे की तरफ नीचे लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, फिर वो नीचे वर्टिकली गिर जाती है। तो इसके अंदर क्या, जैसे स्पिन करके फेंका तो ये वेलोसिटी यानी बॉल ऐसे घूमती हुई जा रही है, ठीक है, जैसे एयर के अंदर वो बॉल जा रही है तो वहां पे क्या कर रहा है, बॉल जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि बॉल इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो एयर है बॉल के अबो और बॉल के नीचे, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, बॉल के जो अपो जो है बेटा क्या होगा, यहाँ पे एयर की जो है वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, v जो है वो लो होगी, एयर की स्पीड क्या होगी, लो होगी एज कंपेरिजन टू द बॉल, एंड प्रेशर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा, एंड बिलो द बॉल यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास में, एयर की स्पीड क्या है, क्योंकि ये आपके पास में जो है ये भी अपोज कर रही है, ये भी अपोज कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आएगी तो इसी के मोशन की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे स्पीड हाई हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाएगी, बॉल जो है ये नीचे की तरफ यानी कि एकदम से कर्व पाथ फॉलो कर लेती है, ठीक है, और वो वर्टिकली क्या हो जाती है, नीचे की तरफ गिर जाती है, तो यानी हम क्या बताते हैं, कैसा पाथ फॉलो कर रही है, वो एक कर्व पाथ फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, यानी मेनली जो रीजन आ रहा है कि मैग्नस इफेक्ट क्यों शो करती है, कि भाई इस तरह से जो है एक तरह से कर्व पाथ ले रही है, मैग्नस यानी स्पिन करती हुई जा रही है, फिर एक तरह से यहाँ पे बॉल आगे जा रही है, यहाँ पे ऊपर की स्पीड अपोज कर रही है, ये उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगी और फिर एकदम से नीचे गिर जाती है, तो यानी ये क्या है आपके पास में, मैग्नस इफेक्ट है, ठीक है बेटा। तो मैग्नस इफेक्ट के अंदर हम क्या बताएंगे कि क्या होता है, ये प्रेशर वेरी होने की वजह से जो बॉल है स्पिन करती हुई बॉल जो है वो क्या कर जाती है, एक कर्व पाथ को फॉलो करती है, और वो क्या करती है कि यहाँ पे जिस साइड मूव करेगी, जहाँ पे प्रेशर क्या था ऊपर की तरफ प्रेशर हाई होता, नीचे क्या है लोअर प्रेशर है, लेकिन स्पीड हाई है, और हाई स्पीड होने की वजह से बॉल कहाँ गिर जाती है, नीचे की तरफ फॉल कर जाती है। तो ये क्या था आपके पास में, यानी कि स्पिनिंग बॉल का हम क्या बताते हैं, मैग्नस इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा हम क्या बताते हैं कि जो आपके पास में ये तूफान वगैरह विंड स्टॉर्म आता है, तो वहां पे जो ये जो रूफ्स होती हैं ये क्या कर जाती हैं, ब्लो कर जाती हैं, ठीक है, उड़ जाती हैं, क्यों हो जाती है, तो उसका रीजन भी क्या बताएंगे, सेम रीजन बताएंगे, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस के कारण, कि घर के इनसाइड जो है प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, आउटसाइड जो है प्रेशर लो होता है, ठीक है, और स्पीड अंदर कम होगी, आउटसाइड क्या होती है स्पीड हाई होती है, तो प्रेशर डिफरेंस हाई हो गया, और उस हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाती है, रूफ्स जो है वो क्या हो जाती है, वो एयर के साथ में ब्लो कर जाती है, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या था आपका, बर्नौली थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे हम दोनों तीनों टॉपिक्स में, उसके बाद में हम क्या लेंगे, सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन के बाद में सरफेस एनर्जी, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास में वो क्या रहेगा, आपके पास में न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करेंगे, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर करना है बेटा।